मित्रों, इस संसार में हर एक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ पाप जरूर करते हैं, लेकिन वह कभी ये नहीं सोचते कि वह पापी है। ऐसे में मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इस सृष्टि में सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आज हम आपको एक कथा के माध्यम से देने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से जरूर सुने। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा और उनकी रानी दोनों ही भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का एक जोड़ा पाल रखा था और उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा था। मित्रों, अब आपको तो अच्छी तरह से पता है कि पति पत्नी में कुछ कुछ बातों पर लड़ाई जरूर होती रहती है, तो इसी तरह काफी समय बीत चुका था। एक दिन मैना ने तोते से कहा, मैंने मान लिया कि पुरुष बड़े पापी होते हैं, पुरुष बड़े धोखेबाज होते हैं, मौका मिलने पर पुरुष कुछ भी कर देते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बोला, तू अपनी ये फालतू की बातें बंद कर, पुरुष इतने पाप नहीं कर सकते जितने पाप स्त्रियां अपने जीवन में करती हैं। स्त्रियां जितना धोखेबाज होती हैं, उतना इस संसार में कोई दूसरा धोखेबाज होता ही नहीं है। स्त्रियों से बड़ा पापीन इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता। यह किसी की भी हत्या कर सकती हैं। जिसके बाद तोता और मैना में जमकर लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। ये सब देखने के बाद राजा ने तोता और मैना से पूछा कि आखिर तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, किस बात पर तुम दोनों बहस कर रहे हो। तभी मैना ने उत्तर देते हुए कहा, यह मान नहीं रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष ही होते हैं। फिर पलटकर तोते ने जवाब दिया कि मैं कैसे मान सकता हूँ, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े पापिन तो स्त्रियां ही होती है। राजा ने दोनों से कहा कि तुम दोनों किस आधार पर ऐसा कह रहे हो। तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहा, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वह बड़े धन दौलत वाले थे, लेकिन उनका बेटा जो था वह घमंडी और बिगड़ा हुआ इंसान था। सेठ का बेटा इतना ज्यादा जुआ खेलता था कि सेठ ये बात सोचते सोचते प्राण त्याग दिया। जब पिता जिंदा थे तब उनका बेटा कम मात्रा में जुआ खेला करता था, लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई तब से वह स्वतंत्र हो गया और बिना किसी टेंशन के दिन रात जुआ खेलने लगा, और धीरे धीरे करके उसने जुए में सब कुछ हार गया। फिर दोबारा वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया। वह लड़का किसी सेठ के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। तब सेठ ने उसे पूछा कि तुम कहां से आए हो और क्या करते हो, जिसका जवाब देते हुए लड़के ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं और गाड़ी से जा रहा था, बीच रास्ते में कुछ गुंडे मेरे सारे सामान को लूट कर ले गए, इसीलिए मैं यहां आ पहुंचा। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के को सीधा साधा समझा और उस लड़के के जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा, तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे। यह बात सुनकर लड़का का मन प्रफुल्लित हो जाता है और शादी के लिए सेठ से हाँ कह देता है, जिसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। फिर सेठ बहुत सारा पैसा देकर लड़की को विदा कर देता है। अब इस लड़के को तो केवल पैसों के लिए ही उस लड़की के साथ विवाह करना था, जो वह कर लेता है। विवाह के बाद वो लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब लड़का उस लड़की से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल के रास्तों से गुजर रहे हैं, तो कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो तुम ऐसा करो कि अपने सारे जेवर मुझे उतार के दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए, जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के सारे जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिया। फिर वह सभी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके,
तब उस लालची लड़के के साथ आई हुई दासी को उसने मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल दिया ताकि वह कुएं में गिरने से मर जाएगी, और फिर लड़का वहां से भाग गया। लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था, तब उसने किसी महिला की आवाज सुनी और फिर उस आदमी ने जैसे तैसे करके उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने सारी जानकारी उस पुरुष को दिया। फिर उस पुरुष ने महिला को अपने पिता के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के पिता यानी सेठ जी ने पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन स्त्री पतिव्रता थी इसीलिए उसने अपने पिता को सारी सच्चाई नहीं बताई और कहा कि जंगल में कुछ लुटेरे हम पर हमला कर दिए थे जिसके कारण हमारी ये हालत हुई है। उन्होंने दासी को मार दिया, मुझे कुएं में ढकेल दिया और पति का कोई पता नहीं चला। बेटी की यह बातें सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया तब कुछ दिनों बाद वह लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और उसने सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि वह नाना बनने वाले हैं और फिर इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैंने पिताजी को यह सारी बातें बताई हैं, तो आप भी यही बता देना। मित्रों, वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन वह सीधा नहीं होता। उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत सारे जेवर पहन रखी है, तब उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम आराम से सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जैसे ही रात हुई और वह लड़की सोने के लिए चली गई, तब वह लड़का अपनी पत्नी को मारकर सारा जेवर और घर का धन अपने साथ ले गया। राजा को ये सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसलिए मैं कहती थी कि पुरुष ही दुनिया के सबसे बड़े पापी होते हैं। उसने अपने पत्नी को मारा और उसका सारा सामान लेकर भाग गया। मैना की यह बातें सुनकर तोता ने भी एक कहानी सुनाया जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात की थी। दोनों की यह बातें सुनकर राजा बोले कि इस बात का उत्तर अब मैं तुम लोगों को देता हूँ कि आखिर कौन सबसे बड़ा पापी है। राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसकी स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान सबसे बड़ा पापी होता है, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले कभी भी ये नहीं सोचता कि आखिर वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। तो मित्रों, आज आपने जाना कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन होता है। इसलिए हमेशा एक अच्छी सोच रखकर काम करने चाहिए, अपनी सोच को अपने स्तर से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।